हरि ओम। गुरु की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों है, इसके लिए ये पर्व मनाया जाता है ताकि नए नए लोग भी ज्वाइन करते थे, जिसको उस दिन शुरुआत होती थी कईयों की पहले थी कि किस लिए ये ज़रूरी है। और हमारे देश में गुरुओं का बहुत सम्मान किया जाता है, क्योंकि एक गुरु ही है जो अपने शिष्य को गलत मार्ग से हटाकर सही रास्ते पर लाता है। इसके बारे में कितनी कथाएं, कहानियां कही गई हैं। किसी को महान बनाने में गुरु का विशेष योगदान रहता है। इस दिन को मनाने के पीछे कारण ये भी माना जाता है कि इस दिन महान गुरु वेदव्यास जी, जिन्होंने ब्रह्मा सूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत, 18 पुराण, अद्भुत साहित्य की रचना की, उनका जन्म हुआ था। इतनी बड़ी महान आत्मा का जन्म हुआ था। शास्त्रों में आहाड़ी पूर्णिमा को वेदव्यास जी का जन्म समय माना जाता है। इसलिए इस मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। ये आपको बताने के लिए, शायद आपको समझ आए। तो इस दिन हम अपने सभी शिष्य अपने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं और उन्होंने जो कुछ आज तक पाया है उसका धन्यवाद करते हैं। भगवान जी को तो हर रोज़ ही गुरु पूर्णिमा दिखती थी, उनको नहीं पसंद था कि उस दिन आके कोई गिफ्ट लाए, बड़े बड़े गुरुओं को पूजे, चढ़ावा चढ़ाएं, वो इसके खिलाफ़ रहते थे। गुरु के बिना एक शिष्य के जीवन में कोई अर्थ नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो सब आप जान गए होंगे। अभी रामायण से लेकर महाभारत तक गुरु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण, सर्वोच्च रहा है। और गुरु की महत्ता देखनी हो तो कबीरदास ने लिखा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किस किसके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यानी गुरु का स्थान भगवान से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उच्च कोटि के शिष्य रहे होंगे तो ये आज आपको सबको पता ही होगा। गुरुओं का तुम सम्मान करो, उनकी शिक्षा जीवन में भरो, सिखा देंगे वो तुम्हें इंसानियत, इतना तो तुम ध्यान धरो। सिखा देंगे तुम्हें इंसानियत, तुमको गुरु ज्ञान पढ़ाते हैं, अच्छी बातें भी सिखलाते हैं, उनके जैसा बनके तुम उनकी शिक्षाओं का गुणगान करो। गुरु के ज्ञान का नहीं अंत कहीं, तुम भी लेकर आगे बढ़ो, वही छा जाओगे संसार में जो उनकी तरह शिष्टाचार की बात करो। गुरु जितना कोई महान नहीं है, कमियां हमारी गिनाता है, वही हमारी कमियों को गिनाता है। गिरकर उठना सिखाया जिसने, साहस उसकी बातों से तुम भी करो। हीरे की तरह तराशा गुरु ने, जीवन को आसान बनाया गुरु ने, अंदर विश्वास जगाकर तुम भी अपने आप को धनवान करो। जन्म माँ बाप से मिला, ज्ञान गुरु से दिला दिया। ड्रेस, किताबें, बस्ता माँ बाप से मिला, पढ़ना गुरु ने सिखा दिया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आशीर्वाद हमेशा हम पर स्नान की तरह पड़े, एक बहुत ही खुशनुमा स्नान हो हमारा गुरु पूर्णिमा। जैसे हम गुरु के साथ चलते हैं, अपने अस्तित्व के प्रकाश में चलते हैं, अज्ञानता के अंधेरे से दूर हम अपने जीवन की सभी समस्याओं को छोड़ देते हैं और जीवन के शिखर अनुभवों की ओर बढ़ते हैं। हीरे की तरह तराशा गुरु ने, जीवन को आसान बनाया गुरु ने, अंदर विश्वास जगाकर तुम भी अपने आप को धनवान करो। क्या महत्ता है गुरु पूर्णिमा की, क्या संस्कृति है हमारे जहाँ, और कितने भाग्यशाली हैं हम, कितनी दुनिया मनाती होगी। इमेजिन करो, 140 करोड़ दुनिया है, उसमें कितनी दुनिया पकड़ती होगी, कितनों को गुरु मिलते होंगे, और वो भी ब्रह्मज्ञानी, मंत्रधारी नहीं है, वो शुरुआत है नर्सरी क्लासों की। हमारा घर स्वर्ग बना देना, गृहस्थ में से निकल के हमने ऋषि मुनियों की तरह
जीवन बिताकर जीना ये आसान काम है? इंसानियत दिखाते हैं, इंसान बना देते हैं पहले, फिर देवता बनाते हैं, फिर भगवान बनाते हैं, फिर अपने आप बनाता है गुरु, आप सम्मान करता है गुरु। जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान होता है। कितने अभागे होते हैं जो गुरुओं की डांट को डांट समझते हैं और भाग जाते हैं सत्संगों से। कितने थोड़े समय के लिए उनका भाग्य जगता है। हाय हाय, कितने अभाग्य हैं मेरी नज़रों में वो लोग। एक ही जन्म देना होता है, फिर जन्मों के लिए एक सारा टाइम थोड़ी परीक्षाएं होती हैं। जन्म देता है कई महान शख्सियों को, वो गुरु तो सबसे महान होता है। ये होती है गुरु पूर्णिमा। दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, हैं आभारी उन गुरुओं के हम, जो किया कृतज्ञ अपार हमें। शिल्पी शैनी से करे सपनों को साकार, अनगढ़ पत्थर से रचे मन चाहा आकार, माटी रखकर चाक पर घड़ा घड़ा घड़े कुम्हार, श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो शिष्य पाए संस्कार। आपसे सीखा और जाना, आपको ही गुरु माना, सीखा सब आपसे हमने, कलम का मतलब भी आपसे जाना, गुरु ही तो गुरु है जिससे ये सब जाना। गुरु से भेद ना मानिए, गुरु से रहे ना दूर, गुरु बिन सलील मनुष्य है आंखें रहते सूर। छोटी छोटी चीजें हैं जो माँ बाप की मूर्त है गुरु, कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु। शांति का पढ़ाया पाठ, अज्ञानता का मिटाया अंधकार, गुरु ने सिखाया हमें नफरत पर विजय है प्यार। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन आत्मा नहीं, ध्यान ज्ञान धैर्य और कर्म सब गुरु की ही देन है। वो बोलते नहीं, सात समुद्र की सिलाही हो, स्याही हो, आकाश जितनी किताब हो, तो इसको तो मजाक थोड़ी बनाया हमने कि खाली सुन लिया खाली। कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 15 साल से, कोई कितने साल से निकल गया, सत्संग में आए हैं, कितने जन्म लग जाएं, कितना समय लग जाए गुरु को जानने में। खानदान के खानदान में देखो, गुरु मिलेगा नहीं पहले। पीढ़ियों तक पीछे जाओगे तो कोई गुरु नहीं होगा, और अब कलयुग में गुरु को लेके और ऐसा ही बना ले हम, बस हो गया काम। फिर बोलते थे ना, GOD डॉग गॉड, DOG डॉग उल्टा करो, तो ऐसा तो मीनिंग नहीं करे ना, उसको खाली बोलने वाला बना दे हम बस। गुरु होता सबसे महान, जो देता है सबको ज्ञान, आओ इस गुरु पूर्णिमा पर करें अपने गुरु को प्रणाम। अक्षर ज्ञान ही नहीं, गुरु ने सिखाया जीवन ज्ञान, गुरु मंत्र को होकर आत्म साथ हो जाओ भव सागर से पार। करता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए, सात द्वीप नो खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। मैं तो सात समुंदर की मसीहा करूं, लेखनी सब बदराए, सब धरती कागज करूं, पर गुण गुरु गुण लिखा ना जाए। क्या सेलिब्रेशन होती है ये, ऐसे ही चले जाते दुनिया से। गुरु एक तेज है, जिनके आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु वो मृदंग है, जिसके बजते ही अनाहद नाद सुनने शुरू हो जाते हैं, अनाहद नाद मिलते हैं। गुरु वो ज्ञान है, जिसके मिलते पांचों तत्व एक हो जाते हैं। गुरु वो दीक्षा है, जो सही मायने में मिलती है तो पार हो जाते हैं। गुरु वो नदी है, जो निरंतर हमारे प्राण से बहती है। गुरु वो सच्चित आनंद है, जो हमें हमारी पहचान देता है, अपनी ही पहचान कराता है, अपने समान बनाता है। बारी जाऊं मैं ऐसे गुरु पे, जिसने मेरा जीवन ही पलट दिया।
ठिकर से ठाकुर बना देता है, नर से नारायण बना देता है। हम कितने ऑर्डिनरी होते हैं, अधूरे नहीं पूर्ण करके भेजता है, पूर्ण गुरु जब मिल जाता है। 84 पूरी खत्म हो जाती है, फिर बार 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 थोड़ी तुम छोटी छोटी बातें करोगे सत्संगों में आके, छोटा संग पा के बुराइयाँ करोगे उन संतों की, उन गुरुओं भाई गुरु भाई बहनों की। ये क्या खाक छानी हमने आके, वही तो संसार में कर रहे थे। प्रथम गुरु माँ जिसने जन्म दिया, द्वितीय गुरु धरती माँ जिस पर पले बड़े, तृतीय गुरु पिता जिनकी उंगली थामी, चतुर्थ गुरु शिक्षक जिनसे ज्ञान मिला, पंचम गुरु आध्यात्मिक जिनकी कृपा मिली। इन पांच गुरुओं के आशीर्वाद से जीवन सार्थक है, क्योंकि गुरु बिना गति नहीं। क्या मांगू सतगुरु जी, तुम तो अंतर्यामी हो, किसको क्या देना है तुम सबके स्वामी हो। तेरी ही रजा में रजा रहूं, बस एक यही वर दो, सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे वर दो। हरिओम हरिओम हरिओम, लगा लो बन जाओ गुरु के प्यारो, भगवान जी के हरिओम।